अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहे। आज हम आपको बताएंगे डेक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन के बारे में, टेबलेट के बारे में और जेल के बारे में कि ये क्या किस काम आती है, क्या इस्तेमाल है इसकी, किस तरीके से हम ले सकते हैं। एक सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी हमारे पास टैबलेट होती हैं, जो भी हम आपको दिखाते हैं, ये आप डॉक्टर की हिदायत के बाद ही इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसे इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ हम आपको बताते हैं इसलिए कि ताकि आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो, ठीक है? मेहरबानी। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि डेक्लोरान टैबलेट के बारे में। डेक्लोफेनिक सोडियम होता है। ये आप किसी भी चीज़ का दर्द हो, सर में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, तो ये ले सकते हैं। डेक्लोफेनिक सोडियम दर्द के लिए टेबलेट है। ये 50 mg में आती है, 100 mg में आती है और 75 mg में आती है डेक्लोरान। ये 100 mg ऐसा, लेकिन ये डॉक्टर की हिदायत के बाद ही यूज़ कीजिएगा, ऐसे यूज़ नहीं कीजिएगा। डेक्लोरान इंजेक्शन है, ये देख सकते हैं डेक्लोरान इंजेक्शन जब लगाया जाता है, जब आपको टैबलेट से आराम नहीं आ रहा हो और आपको शदीद दर्द है तो फौरी दर्द रिलीफ के लिए आपको डेक्लोरान इंजेक्शन ही लेना पड़ेगा। डेक्लोफेनिक सोडियम है 75 mg का होता है, ये 75 mg का। इसके साथ सिरिंज होती है, 3 cc की सिरिंज होती है। ये IM और IG दोनों लग सकता है, IV भी लग सकता है, लेकिन इन्फ्यूजन में लगता है, वो डॉक्टर की हिदायत के बाद ही लगाना है। IV ऐसे नहीं लगाना होता, IV थोड़ा सा ख़तरनाक ज़रूर है। ये IM और IG लगाया जाता है डेक्लोरान सोडियम, 3 cc की सिरिंज में डायलूट करके ये आप लगा सकते हैं। और डेक्लोरान जेल भी आती है, डेक्लोरान जेल है। ये हड्डी जोड़ों में दर्द हो, आपके घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, तो इसको अच्छे तरीके से हिल करके मल के अच्छे तरीके से ये लगा सकते हैं डेक्लोरान जेल। कहीं पर भी दर्द हो, गर्दन में दर्द होता है आपके, कहीं भी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, स्पाइनल में दर्द हो, कहीं पर भी दर्द हो, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको अच्छे तरीके से ये आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टैबलेट और इंजेक्शन जो भी है ये डॉक्टर की हिदायत के बाद ही इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा। और ज़ख़म हो तो ये इस्तेमाल ना करें, अगर ज़ख़म होता है जैसे तो ये इस्तेमाल ना करें, ये सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है, बच्चों की पहुँच से दूर रखें। अब हम आपको बताते हैं कि इनकी कीमत प्राइस कितनी है, कितने की आते हैं इंजेक्शन। ये टैबलेट देखें, डेक्लोरान टैबलेट है, इसके ज़्यादा यूज़ भी अच्छे नहीं है। 150 रुपये की टैबलेट है ये, 150 रुपये की आती है डब्बा पूरा, और इसमें टैबलेट होती है 20 टैबलेट होती हैं इसमें, 150 रुपये में 20 टैबलेट होती हैं। हम आपको टैबलेट भी दिखा दें किस तरीके से होती हैं, ये देखिए, ये होती है डेक्लोरान। ये हो गया 50 mg वाला। अब हम दिखाते हैं आपको 100 mg वाला, ये कितने की पड़ेगी, जो आपको पड़ेगी 430 रुपये की, 430 रुपये की आपको इस मिलेगा। ये 30 गोलियों का डब्बा होता है ये, 30, और ये इस तरीके से होती है, देख सकते हैं। जी इंजेक्शन तो हमने आपको बता ही दिया, ये इंजेक्शन 3 cc होता है, 3 cc इंजेक्शन होता है ये, और ये 3 cc की सिरिंज होती है, इससे ये आप लगा सकते हैं। डेक्लोरान सामी कंपनी का है, देख सकते हैं सामी कंपनी का ही सब दिखा रहे हैं हम आपको। ये जेल भी, इंजेक्शन भी, ये टैबलेट भी सामी मल्टीनेशनल कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और ये टैबलेट है डेक्लोरान ही है ये भी, ये डिस आप पानी में डालेंगे तो घोल के इसको पीना पड़ता है, डेक्लोरान एसिड, देखिए इसको आधा गिलास पानी में, आधा गिलास या थोड़ा सा पानी हो उसमें घोल के पी ले। आपको कहीं भी दर्द हो रहा है, शदीद दर्द हो रहा है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे RT का पेशेंट होता है, रोड एक्सीडेंट का होता है, कोई ज़ख्म होता है या
स्टिच वगैरह लगे हुए हैं, आपको शदीद दर्द हो रहा है तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बार बार हम ये बताते हैं कि डॉक्टर की हिदायत के बाद ही इस्तेमाल करें, ऐसे कोई टैबलेट इस्तेमाल ना किया करें। हमारा बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको नॉलेज हो जाए, कुछ पता चल जाए। ठीक है, सिरिंज इंजेक्शन, थैंक यू। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देख सकते हैं ये सारी डेक्लोरिन है। अगर कोई मालूमात हमसे चाहिए हो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। हमारा चैनल कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी, ये भी ज़रूर सब्सक्राइब चैनल में बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू। हमारी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा।